नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा जिला में युवक कांग्रेस के द्वारा, जैसा कि मोदी सरकार ने संसद में कृषि विरोधी काला कानून लाया है, उसी के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसका समर्थन कर रहे मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरभंगा जिला युवक कांग्रेस के द्वारा, जैसा कि मोदी सरकार ने संसद में कृषि विरोधी काला कानून लाया है, इसी के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री और इसका समर्थन करते हुए जो वोट किए माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राहुल कुमार झा ने कहा कि ये कानून विशुद्ध रूप से किसान विरोधी कानून है। इस कानून के द्वारा किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार को छीनने की साजिश रची जा रही है। इस अध्यादेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी संसद में समर्थन किया है, इसलिए हम उनका भी विरोध करते हैं। यहाँ पर 80% किसान 2 एकड़ वाला है, वो क्या करेंगे? ये सरकार पूंजीपतियों का गुलाम बना चुका है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो कानून कांग्रेस ने बनाया, ये उसे भी कमजोर करने का प्रयास किए थे। हमारे नेता राहुल गांधी विरोध के बाद वापस लिए, फिर ये लेकर आए हैं। जिस तरह नोटबंदी का असर 1 साल बाद दिखा, उसी तरह इसका भी असर 1 साल बाद में दिखेगा। वही पूर्व प्रदेश सचिव तनवीर ने कहा कि काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये कानून। सरकार किसान को भी निजीकरण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आबादी है और उस किसान के खिलाफ एक काला कानून इस देश के संसद में गलत तरीके से पास कराया गया। ना कभी चर्चा की गई, ना लोकसभा के स्टैंडिंग जो कमेटी है सिलेक्टिंग कमेटी में रखी गई। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी सांसद से बात नहीं, कहीं किसान यूनियन से बात नहीं, और इन्होंने बिना पूछे बिना बात किए इन्होंने ये कानून थोप दिया इस देश के किसानों पर। लेकिन ये कानून इस देश के किसान के हित में नहीं है। 80% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ जमीन वाला किसान है, वो जाएगा फिर बंगाल में अपना फसल बेचने के लिए। कॉर्पोरेट जो रेट लगाएगा, क्या क्या जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग सही रेट लगाएंगे? अगर गलत रेट लगाते हैं तो वो उनके यहाँ जाएंगे अपना आवेदन लेके, कलेक्टर साहब के यहाँ आएंगे 2 एकड़ वाले अपना आवेदन लेके, कलेक्टर साहब हमारा फसल का मुआवजा नहीं मिलता है। उनमें है इतनी क्षमता, वो आके तहसीलदार से लड़ाई लड़े। नेहरू जी के नेतृत्व में हमने जमींदारी प्रथा खत्म की थी, ये घुमा फिरा के जमींदारी प्रथा से ला के रखते हैं। इन्हीं सब ये तो किसान विरोधी है। किसानों का एक्ट को इन्होंने खराब करने का कोशिश किया था। हमने भूमि अधिग्रहण कानून 2014 लाया था, उसको इन्होंने कमजोर करने का प्रयास किया। इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि ये जमीन भी कॉर्पोरेट को मिल जाए सहूलियत के हिसाब से। हमने प्रावधान था 2014 में, भूमि अगर किसान से लिया जाए तो उनकी राजा मंडी के हिसाब से लिया जाए, उनकी जमीन के मार्केट मूल्य से उनको चौगुना कीमत मिले। क्या सच है क्या झूठ? अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।